दोस्तों लाइफ में ना बहुत सी चेंजेस होते हैं, विद टाइम आपको उसको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस जरूरी होते हैं। म्यूजिक से ही आप ग्रो करते हो, तो ऐसी है ना टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी में ना आए दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है, और उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ्स को इजी करना पड़ता है, तो हमें फास्टर और बेटर डेटा प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी लगती है, और इसलिए एक के बाद एक इनोवेशन होते रहते हैं। तो वैसे ही आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एज कंप्यूटिंग। तो सिंपल अंग्रेजी में कहे तो एज कंप्यूटिंग यानी एनी कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क रिसोर्सेज अलॉन्ग द पाथ बिटवीन डेटा सोर्सेज एंड द क्लाउड डेटा सेंटर। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बहुत सारे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक की डिफरेंस ये होता है कि एज कंप्यूटिंग में यूजर को अपने डेटा पे डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल होता है, लेकिन दूसरी तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जब यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे कुछ देर बाद मिलता है। क्या बोला तूने? वो डिफरेंस मिलीसेकंड में होता है, भले वो मिलीसेकंड में, बट वो डिफरेंस मैटर करता है। और ये डिफरेंस आने का मेन रीजन ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़े डेटा पे वर्क किया जाता है, ऑन दी अदर हैंड एज कंप्यूटिंग में उस डेटा को स्मॉल स्मॉल बैचेस में डिवाइड करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं, तो उससे बेटर स्पीड मिलती है, उससे लेटेंसी का प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो बैचेस में डिवाइड हो गया है। अब एज कंप्यूटिंग में एग्जांपल्स देखें तो बेस्ट एग्जांपल है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में वो मिलीसेकंड जो कहा था वो मैटर करता है, वहाँ पे लाइफ्स का सवाल होता है, लोगों की लाइफ्स दांव पे लगी रहती है, कि वहाँ मिलीसेकंड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एज कंप्यूटिंग का और एक एग्जांपल है गेमिंग। अब बहुत से लोगों को लगता है कि क्लाउड गेमिंग में स्ट्रिक्टली क्लाउड का ही यूज होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, आपको बेटर एज देने के लिए वहाँ पे एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। बिकॉज आपको बेटर एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब आपका गेम लैग नहीं करे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग बड़े डेटा सेट पे वर्क करता है, ऑन दी अदर हैंड एज कंप्यूटिंग उसी डेटा को स्मॉल स्मॉल बैचेस में डिवाइड करता है। अब आपका गेम बेटर एक्सपीरियंस दे पाएगा आपको। क्लाउड गेमिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल तो पता ही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे कि एनवीडिया जीफोर्स नाउ, प्लेस्टेशन नाउ, गूगल स्टेडिया, वोर्टेक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो दोस्तों मेरे मन में एक सवाल कि जीपीएस किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग? आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर अपना। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी एज कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। टू बी मोर स्पेसिफिक, मोबाइल एज कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे आपके डेटा को यूज़ किया जाता है आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Oh my God! Wow!